लगातार ईद के इस मौके पे जो है डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो है चेकिंग कंटिन्यूसली जो है मार्केट में की जा रही है। किसी भी चीज़ का रेट, चाहे वो मीट हो, मटन हो, चिकन हो, रेट जो है हाइक किया जा रहा है, जिसको लेके कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट की तरफ से चेकिंग की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की तरफ से भी लगातार ये ड्राइव जो है की जा रही है, उसमें साथ में म्यूनिसिपल काउंसिल डोडा भी साथ में है। तो कहीं ना कहीं ड्राइव जो है की जा रही है, इससे फ़ायदा जो है आम लोगों को हो रहा है, क्योंकि जो रेट हाइक किया जा रहा है तो डिपार्टमेंट की ड्राइव के बाद उस रेट पर कहीं ना कहीं जो है रोक जो है लग रही है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडी फूड राहुल शर्मा जी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रेश जी, आप यहाँ पे आए। तो सर आपसे जानना चाहूंगा, लगातार जिस तरह देखा ये जा रहा है कि डोडा में खास तौर पे ड्राइव जो है कंटिन्यूसली चल रही है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपके साथ जुड़ा है और ड्राइव में क्या कुछ जो है आपको देखने को मिल रहा है? रेश जी, आज की मार्केट चेकिंग ड्राइव के बारे में अगर आपको बताऊं तो मेरे नॉलेज में मुझे कुछ रेकरेंट कंप्लेंट्स आ रही थी कि डोडा के अंदर जो है वो रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं हुई है प्रॉपर, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो लोगों से ओवर प्राइस कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग मार्केट चेकिंग के लिए निकले थे। मेरे साथ असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी मौजूद रहे, मेरे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर भी थे और साथ में म्यूनसिपलिटी की टीम भी थी और कुछ पुलिस पर्सनल थे। तो अगर मैं मार्केट में आपको, जैसे आपने पूछा कि मार्केट में आपको क्या मिला, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो हम लोगों ने मार्केट में देखा तो लगभग 80% जो हमारे दुकानदार थे उनके पास तो प्रॉपर डिस्प्ले था, उनके पास रेट लिस्ट लगी हुई थी। और हमने लोगों से भी पूछा कि आप किस रेट से इनसे सामान ले रहे हो, तो लोगों ने भी वही रेट बताया जो ऑलरेडी वहाँ पे स्पेसिफाइड था। तो उनके ऊपर तो हमने उनको उनकी सराहना भी की कि वो ये मतलब किसी तरह की वो मतलब ओवर प्राइस नहीं कर रहे हैं। हमने उन दुकानदारों की इसमें सराहना भी की, बट ऐसे भी कुछ हम लोगों को वहाँ पे वेंडर्स और वो मिले जिन लोगों ने डिस्प्ले नहीं किया था रेट लिस्ट का, और उन्हीं दुकानदारों की हमें कंप्लेंट भी थी कि वो ओवर प्राइस कर रहे हैं। तो उनके ऊपर हमने सक्सेसफुल कार्रवाई करते हुए अराउंड 17,000 का आज हमने उनको फाइन इम्पोज किया है। सर जिस तरह ईद सामने आ रही है और कहीं ना कहीं रेट लिस्ट भी है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है बताई गई है कि किस तरह जो है यहाँ पर मीट मिलेगा, किस तरह जो है लाइव जानवर यहाँ पर मिलेगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब लोग आम जनता जब उनके पास जाती है तो वहाँ पर रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बता दिया जाता है। अगर डिपार्टमेंट वहाँ पर जाती है तो डिपार्टमेंट के सामने तो रेट लिस्ट बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि जिस तरह रेट जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया है, लेकिन जब आम जनता वहाँ पर जाती है तो कहीं ना कहीं रेट पर जो काफ़ी ज़्यादा हाइक जो है किया जाता है। तो क्या कोई इस सब पर आपका कहना है? और जहाँ पर भी इस तरह का काम मतलब जो भी बाहर से आते हैं रूरल एरिया से काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर आते हैं मीट बेचने या अपने जो भी जानवर है वहाँ पर ईद के लिए बेचने के लिए खास तौर पर, तो क्या कुछ कार्रवाई डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों पे भी हो रही है? रेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ मेरा मैसेज रहेगा जनरल पब्लिक को, डोडा की पूरी आवाम को, और जो वो सब दुकानदार जो अगर इन सब प्रैक्टिसेस में या ओवर प्राइस करते हुए या किसी भी तरह का अगर इन सब चीज़ों में अगर वो इंडल्ज होते हैं, तो पहले तो मेरी आपके चैनल से उन दुकानदारों को ये इंस्ट्रक्शंस रहेंगी कि वो किसी भी तरह का ओवर प्राइस ना करें। ईद का एक बहुत पायस त्यौहार है, लोग काफ़ी मार्केट में आके काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं। अगर मैं बात करूं तो मटन, चिकन और ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, इनको आज हमने प्रॉपर काउंटर किया है। अगर किसी ने ओवर प्राइस किया है तो हमने उसको अंडर रेलिवेंट सेक्शन हमने उनको चालान भी इम्पोज किए हैं। और जनरल पब्लिक को मेरे आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही मैसेज रहेगा कि अगर आपको कोई भी दुकानदार हमारे किसी भी तहसील में या अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा में, अगर आप सिटी की बात करें, अगर आपको कोई ओवरचार्ज करता है तो आप हमारे मतलब डिपार्टमेंट के नोटिस में लाएं ये चीज़, और अगर तहसील में ऐसा कुछ होता तो हमारे TSO ऑफिसेज में वो जाएं और ये कंप्लेंट वो दर्ज करवा सकते हैं, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। लोगों को मेरा ये मकसद रहेगा, लोगों को तक ये मैसेज पहुंचाना आपके माध्यम से कि लोग जब भी सामान लें वो प्रॉपर रेट लिस्ट जो वहाँ पे उस दुकानदार ने लगाई है वो उसके अकॉर्डिंग लें। अगर कोई दुकानदार उस रेट लिस्ट के ऊपर ओवर चार्ज करने की कोशिश करता है तो वो तुरंत हमारे डिपार्टमेंट के नोटिस में लाएं, हम उसमें ज़रूर कार्रवाई करेंगे। सर उसके अलावा कई जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि आटे की अगर हम खास तौर पे बात करें, आटा जो अपने वहाँ पर डिपोज पे आया है या स्टोर्स पे आया है खास तौर पे ख़राब जो है निकल रहा है। कहाँ से वो आटा आप लाते हैं और क्यों, क्या वजह रह रही है कि वो आटा जो है ख़राब निकल रहा है? गर्मी का मौसम भी और लगातार देखने में आ रहा है कि कीड़े जो है बहुत ज़्यादा उस आटे में है, तो इस सब पे आपका क्या कहना है? रही जी, अभी मेरे नोटिस में तो ऐसा कुछ आया नहीं है। मुझे मरम्मत से कंप्लेंट आई थी लास्ट मंथ कि ऐसा कुछ आटा एक शालीमार मिल से हमें कुछ सब स्टैंडर्ड का मिला है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने उसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी और
उस पर कमेटी की रिपोर्ट से भी यही आया है कि वो जो आटा है वो इतना अच्छा नहीं है। तो मैं एडी उधमपुर से, जो हमारे एडी मिल्स भी हैं, जहाँ यहाँ से हमें आटा हमें सप्लाई होता है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, मैंने उनसे भी बात की थी। उन्होंने भी मुझे पूरा एश्योर किया है कि अगर इस तरह से कोई हुई बात हुई है तो उस आटे को रिप्लेस कर दिया जाएगा और लोगों को बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन सर ये आज की बात नहीं, पहले भी बीच बीच में ऐसा होता जा रहा है कि लगातार जिस मिल की आपने बात की शालामार मिल जो है वहां से लगातार जो है खबर यही आ रही है कि आटा जो है खराब आ रहा है बार बार। आज की बात नहीं कर रहे हैं, पहले भी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो क्या कुछ वजह ये रह रही, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों उन पर जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है? रही जी, मैं आपको बस ये इतना श्योर करता हूँ कि अगर मेरे नोटिस में ये चीज़ आती है तो मैं डेफिनेटली उस पर एक्ट करूँगा, और अगर ऐसा फ्रीक्वेंट होता रहा, अगर एक दो बार मेरे पास और कंप्लेंट आई तो डेफिनेटली मैं अपने डायरेक्टर साहब को भी यहाँ से लेटर लिख दूंगा, और डायरेक्टर साहब मुझे पूरा उन पे फेथ है कि वो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे। उसके अलावा सर बात करें केरोसिन ऑयल को लेके, तो लगातार पिछले कई टाइम से देखा ही जा रहा था कि पहले 73,000 केरोसिन ऑयल आ रहा था, उसके बाद 30,000, उसके बाद 15,000, और आने वाले टाइम में जो है केरोसिन ऑयल बंद हो गया, क्योंकि देखने में आ रहा है कि जरूरत जो है अब केरोसिन ऑयल की नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि केरोसिन ऑयल के जितने भी डिपोज हैं अभी तक खुले हैं, अभी तक ओपन है, क्यों उन डिपोज को भी बंद नहीं किया जा रहा, क्या कुछ वजह इस सब के पीछे? इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो जब मैंने यहाँ पे चार्ज अज्यूम किया 30 सितंबर को, और मुझे यही मतलब यहाँ पे जो मैंने ऑफिशियल रिकॉर्ड देखा, तो आई गेस हमारे पास अप्रैल सिंस अप्रैल 2021 से हमारे पास जो है कैरोसिन सप्लाई जो है वो बंद है। उसमें मैं आपको यही कहूँगा कि वो कैरोसिन ऑयल बंद होने का रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, यहाँ पे डोडा की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा हर घर में हर राशन कार्ड जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब राशन कार्ड होल्डर्स को गैस कनेक्शन मिल चुका है। तो दो तरह की सब्सिडी अगर मैं बात करूं तो कैरोसिन में भी सब्सिडी और कुकिंग गैस पे भी अगर आप सब्सिडी वो करेंगे तो आई गेस वो होगा नहीं। और जब क्लीन कुकिंग गैस उनको, वो एलपीजी उनको अगर मिल रहा है तो मुझे लगता है कि कैरोसिन तो नहीं मिलना चाहिए और मिल भी नहीं रहा है। सर उसके अलावा बात करें, जैसे आपने एलपीजी गैस की बात की, तो हाल ही में रेट उसका हाइक हुआ है, तो लगभग 50 रुपये जो है बढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी परेशान है कि सब्सिडी को लेके लोगों का साफ तौर पर सवाल यह है कि पहले सब्सिडी तो मिलती थी, लेकिन आज क्यों नहीं मिल रही, और किन किन गैसों पर मिल रही है, उस पर भी थोड़ा हमारे दर्शकों को अवेयर करें कि आखिर मिल किस पर रही है सब्सिडी। जो लास्ट मीटिंग में एलपीजी एजेंसीज के जितने भी हमारे यहाँ पे एलपीजी एजेंसी होल्डर हैं उनसे मेरी लास्ट मीटिंग में जब मैंने उनको बुलाया था तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे ये चीज़ बोली थी कि जो सब्सिडी इस टाइम पे आ रही है वो सिर्फ उज्ज्वला कनेक्शन वालों को आ रही है। तो मुझे एक दो जगहों से और भी कंप्लेंट आई कि हमें सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो मैं इस संदर्भ में, मतलब अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको बताऊं तो मैं ईद के बाद एकदम से उनसे मीटिंग फिक्स करूंगा, तो जो भी होगा मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दूंगा कि इसमें क्या लिमिटेशंस क्या हैं, क्यों नहीं आ रही है, क्या रीज़न क्या है इसमें, और इस पे अगर कुछ वैसा होगा, अगर उनकी तरफ से कुछ होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की सर जाएगी। उसके अलावा जो ड्राइव आज चलाई गई, क्या वो ड्राइव सिर्फ आज ही चलेगी, या जब तक ईद है या उसके बाद फर्दर आने वाले टाइम में कंटिन्यू ये ड्राइव जो है चलाई जाएंगे, मार्केट का दौरा जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कंटिन्यू किया जाएगा? रेजी में अगर आपको बताऊं तो मैंने पहले भी जैसे बताया कि 1 तारीख से, 1 जुलाई से हमारा जो मार्केट इंटेंस मार्केट चेकिंग ड्राइव चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ईद के इस पावन त्यौहार पे हमारा मार्केट चेकिंग ड्राइव चल रहा है। हमारा मार्केट चेकिंग ड्राइव हर वीक में मैंने अपने TSO साहिबान को यहाँ से उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो हफ्ते में एक दिन वो मार्केट में ज़रूर विज़िट करें, ताकि ये जो इस चीज़ को चेक किया जाए कि कोई बंदा किसी तरह का, कोई दुकानदार जो है वो ओवर प्राइस ना कर रहा हो, ओवर चार्ज ना कर रहा हो, या कोई डोमेस्टिक स्टैंडर्ड ना यूज़ कर रहा हो। अगर कोई, अगर मैं किसी होटल वाले की या किसी चाय वाले दुकान की है, छोटे मोटे रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूं, तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो मार्केट चेकिंग हफ्ते में एक बार जरूर जाएं, और वो जाते भी तो हैं। ये और चेकिंग खाली सर डोडा सिटी के अंदर की बात कर रहे हैं आप, कि ओवरऑल डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं कि जगह जगह पे हर विलेज लेवल पे जो है ये चेकिंग की जा रही है? मार्केट चेकिंग ड्राइव हमारा कोई ऐसा अभी तहसील लेफ्ट आउट नहीं है, यहाँ पे हमारी मार्केट चेकिंग ड्राइव नहीं चल रही है। आज भी हमारे लगभग 8 या 9 तहसीलों में मार्केट चेकिंग ड्राइव चला है, और डोडा सिटी में तो आज हम खुद ही गए हुए थे। मैंने लगातार ये ड्राइव जो है और चेकिंग चलती रहेगी। डेफिनेटली चलती रहेगी, और ये नहीं है कि आज ये ईद, अगर ईद चली जाती है तो उसके बाद हम मार्केट चेकिंग ड्राइव करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि मार्केट में किसी भी तरह का कोई ओवर प्राइस ना हो। हाँ, तो उसके अलावा सर आखिर में ईद आने वाली है, तो क्या कुछ आपकी तरफ से जो है मैसेज रहेगा ईद के इस मौके पर? ईद के इस पावन मौके पे मैं पूरे डोडा वासियों को, अपने मुस्लिम भाइयों को, सबको यही बोलूँगा
कि ये वाली ईद उनके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हों, अमन हो, वो सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, बस यही बोलूँगा। और मेरी तरफ से उनको फिर से दिल की गहराइयों से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो आप देखते हैं हमारे साथ जुड़े थे एडी फूड, इनका साफ साफ यही कहना है कि चटनी जो है कंटिन्यू मार्केट में चलेगी, क्योंकि रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हाइक जो है शॉपकीपर्स के द्वारा जो है किया जा रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट जो है सतर्क है, डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो 17,000 फाइन भी किया गया है। उम्मीद है कि लोग भी ये चीज़ समझेंगे कि अगर रेट कहीं ज़्यादा मिल रहा है तो बाज़्यादा कंप्लेंट की जाए। सर, कंप्लेंट को लेकर आपसे जानना चाहूँगा कि अगर लोगों ने कंप्लेंट करनी होगी तो लोग किस तरह कंप्लेंट करें? लोग, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं आपको आपके पास आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको अपने TSO ऑफिस में उनके नंबर भी हमारे मैक्सिमम जगहों पर डिस्प्ले रहते हैं, अगर आप मैं आपको आज वो उनके नंबर डिटेल भी शेयर कर दूंगा, उनको वो कभी भी कॉल करें, मेरा नंबर ऑलरेडी वहाँ पर डिस्प्ले होगा तो मैं अपने नंबर भी दे दूंगा साथ में। लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा TSO को कॉल कर सकते हैं, और तो एक्शन जो है उसी वक्त लिया जाए। डेफिनेटली तो आपने डेफिनेटली देख लिया कि किस तरह आपने जो कंप्लेंट होगी, बाद नंबर दिए गए हैं और नंबर पे कॉल करके आप उस पे कॉल करके बता सकते हैं अपनी कंप्लेंट, और विद इन नो टाइम में जो है उस पे एक्शन लिया जाएगा। और उम्मीद है लोग भी ये चीज़ समझेंगे कि अगर कुछ भी हो रहा है तो बाद कंप्लेंट की जाए। और उसके अलावा ईद है तो ईद किस मौके पे जो है सर की तरफ से मैसेज था, काफ़ी अच्छा मैसेज था, और हम भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से सबको ईद मुबारक जो है एडवांस में कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो भी इस तरह की ड्राइव होगी या जो भी इस तरह के कार्यक्रम डोडा में होंगे, यानी मार्केट चेकिंग्स होगी, हम जरूर स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे।